हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जज बाय स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास टेंथ के त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.1 के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ घंटी का भी आइकन दबा लीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी लेटेस्ट वीडियोज हैं उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, और प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले आप लोग किताब जरूर अपने पास रखिएगा और क्वेश्चन को जरूर मिलाइएगा, ठीक है। और किताब सामने रखकर जरूर आप लोग क्वेश्चन को मिलाते चलिएगा। मैं स्टेप बाई स्टेप सारे प्रश्नों को सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए किताब अपने सामने रख लीजिएगा और कापी कलम लेकर बैठ जाइएगा। जैसे कि पहला प्रश्न दिया गया है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर एक में साइन ए कॉस ए का मान, और क्वेश्चन नंबर दो में ज्ञात करना है साइन सी कॉस सी का मान। तो कैसे ज्ञात करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक फिगर ड्रॉ करेंगे, एक फिगर बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। जैसे कि प्रश्न में कहा जा रहा है जितना जितना सेंटीमीटर दिया गया है उतना उतना हमें लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन में दिया है, देखिए ये समकोण त्रिभुज ए बी सी है, इसमें कितना कौन कितना मान दिया गया है, इसमें ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर, ये जो वैल्यू दिया गया है ये 24 सेंटीमीटर है, अब बी सी कितना दिया गया है, ये 7 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रश्न में हमें साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात करना है, तो एक नंबर में हमें ज्ञात करना है साइन ए कॉस ए का मान। लेकिन साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात करने के लिए साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई एच, यानी पी बाई एच का मतलब है लंब बटे कर्ण, तो हमें ज्ञात करना पड़ेगा। इसमें कर्ण का तो मान ये नहीं दिया गया है, तो ये हमें ज्ञात करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो वैल्यू दिया गया इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, ठीक है ना। दिया गया है पी बराबर कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, समझते जाइएगा। अब P बराबर 24 सेंटीमीटर, B बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया है। अब इसको हमको क्या करना है कि हमें क्या ज्ञात करना है, H ज्ञात करना है। इसीलिए H बराबर क्या होता है, फॉर्मूला हो जाता है ना, फॉर्मूला हो जाता है कितना, पी स्क्वायर जोर बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो P का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 24 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर सूत्र से लिख देते हैं, इसीलिए सूत्र से H बराबर कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर जोर 7 का स्क्वायर। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर 576, 7 के स्क्वायर 49, तो इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 625 आ जाएगा, और 625 25 का वर्गमूल होता है, इसीलिए रूट से बाहर निकल जाएगा तो 25 हो जाएगा। देख सकते हैं H का मान निकल गया, देख सकते हैं P B H तीनों निकल चुका है ना। तो इसीलिए एक नंबर क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है, साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात करने के लिए, साइन ए फिर कॉस ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसीलिए लिखेंगे हम यहाँ पर, देखिएगा ध्यान से, साइन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू जानते हैं साइन ए बराबर, चाहे साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है कि नहीं, तो यहाँ पर लिख देंगे पी बाई एच। तो यहाँ पर पी का वैल्यू देखिएगा कितना है, पी का वैल्यू कितना है 24, तो लिख देंगे 24, और एच का वैल्यू निकाले हैं तो कितना आया है, तो 25, तो हमारा पहला आंसर आ गया, ठीक है। अब दूसरा का हमें निकालना है कॉस ए, कॉस ए, तो कॉस ए बराबर आपको याद होगा क्या होता है, कॉस ए बराबर होता है बी बाई, कॉस ए बराबर होता है बी बाई एच, तो यहाँ पर लिख देंगे बी बाई एच। और बी का मान देखिएगा कितना है, बी का मान कितना है 7, और एच का मान कितना है 25, तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अब हम दूसरा प्रश्न ले लेते हैं, ठीक है, अब हम दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। हमारे पास दूसरा प्रश्न दिया गया है, आप लोग भी किताब में से मिला सकते हैं। कितना दिया गया है, साइन सी कॉस सी, दूसरे का प्रश्न में दिया गया है साइन सी कॉस सी, साइन सी और कॉस सी का मान हमें निकालने के लिए कहा जा रहा है दूसरे का प्रश्न में। तो समझिएगा ध्यान से, इसको थोड़ा और नीचे लिख देते हैं ताकि दिखाई दे स्पष्ट। निकालना है हमें साइन सी और कॉस सी का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, समझिएगा ध्यान से। अब साइन सी हमें ज्ञात करना था, साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई एच। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें जब इस त्रिकोणमिति के प्रश्नों को जब सॉल्व कीजिएगा तो ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा कि किसी भी एंगल के सामने के भुजा को पी कहते हैं, क्या कहते हैं, लंब यानी पी कहते हैं। कोण के सामने के समूह भुजा को क्या कहेंगे, पी कहेंगे, यानी सी जब लेंगे तो सी के सामने के भुजा को क्या कहेंगे, पी कहेंगे, ठीक है ना। ये पी हो गया तो एच ये हो जाएगा,
तो साइन सी लेंगे तो देखिएगा समझिएगा ध्यान से, पी हमारे कितना हो जाए, फार्मूला क्या होता है, पी बाई एच होता है ना, तो साइन सी के अकॉर्डिंग पी का वैल्यू कितना हो जाएगा 24। अब इसमें भी 24 दिया है कोई बात नहीं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगा वही यहाँ पर लिखना है, यानी 24 और एच का मान तो 25 है। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, कॉस सी, तो कोण के सामने के भुजा को पी बोलते हैं ना, तो ये हो जाएगा पी, तो बी कितना हो जाएगा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पी कोण के सामने के भुजा को जब बोलते हैं पी, तो ये क्या हो जाएगा बी, और कॉस थीटा बराबर कितना होता है बी बटे एच, यानी बी का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे भी 7, और एच का मान निकला हुआ है कितना 25, तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं फिगर बोर्ड पर बना हुआ है, इस क्वेश्चन में टेन पी माइनस कॉट आर पूछ रहा है प्रश्न में, तो टेन पी का फॉर्मूला हम जानते हैं कि पी वाई बी होता है, लेकिन कोण के सामने इस त्रिभुज को देखा जाए तो ये हो जाता है बी और ये होता है एच, इसमें बी का तो मान दिया ही नहीं गया है तो हमें निकालना पड़ेगा। तो इसको हल करने के लिए ये वाला जो वैल्यू है ये कितना हो जाएगा पी हो जाएगा, यानी पी हो जाएगा 12 और एच हो जाएगा कितना 13, तो हमें बी ज्ञात करना है। तो बी ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस का प्रमेय का यूज हम करेंगे, तो बी बराबर डायरेक्ट हम लिख देंगे, फॉर्मूला क्या होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, जैसे कि आप क्लास में पढ़े ही हैं कि ये सारा फार्मूला हमने सिद्ध कराया है। तो अब देखिए एच का वैल्यू कितना है 13 का स्क्वायर और पी का वैल्यू 12 का स्क्वायर हो जाएगा, तो आपको क्या करना है 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 माइनस 12 के स्क्वायर करेंगे तो 144, 169 में से 144 घटा देंगे तो 25 आ जाएगा, अब 25 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, देख सकते हैं बी का वैल्यू निकल गया ना, अब हमें ज्ञात क्या करना है, इसीलिए लिखेंगे कितना हमें ज्ञात करना है टेन पी माइनस कॉट आर हमें ज्ञात करना है, टेन पी माइनस कॉट आर। अभी कुछ देर पहले आपको समझाए थे कि कोण के सम्मुख भुजा को पी बोलते हैं, तो टेन पी कहा जा रहा है तो इस एंगल के सामने पी वाला जो वैल्यू दिखाई दे रहा है ना, देखिएगा ध्यान से, इस कोण के सामने के भुजा को क्या बोलते हैं पी बोलते हैं, यानी भले ही हम इसको हम बी मान के निकाले हैं लेकिन जब पी टेन पी निकाला जाएगा तो ये कोण के सामने के भुजा को क्या कहेंगे पी बोलेंगे। तो टेन थीटा बराबर जानते हैं पी बाई बी होता है, ठीक है, और कॉट थीटा बराबर बी बाई पी होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर टेन पी कह रहा है तो कोण के सामने के भुजा का भुजा कौन सा है क्यू आर आ रहा है ना, तो क्यू आर का मतलब कितना बी का मान कितना निकला है 5, तो यही तो हमारा पी है ना, तो 5 और बी का वैल्यू कितना आया हुआ है बी का वैल्यू हो जाएगा 12 माइनस, फिर यहाँ पर हम लिख देंगे कितना कॉट आर, तो कॉट आर का मतलब कोण के सामने के भुजा क्या कहेंगे पी, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा पी, तो ये क्या हो जाएगा बी, ठीक है ना, तो हमें निकालना क्या है बी बाई पी, तो ये तो पी होगा तो बी कितना हो जाएगा, ये वाला वैल्यू कितना हो गया निकालें तो कितना है ये आया है 5, और पी का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5/12 माइनस 5/12, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। तो आइए दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि यदि साइन ए बराबर 3/4, देखिएगा ध्यान से, यदि साइन ए बराबर 3/4 दिया है तो हमें पूछा जा रहा है कि कॉस ए और कॉस ए बराबर व्हाट, और क्या पूछ रहा है टेन ए बराबर व्हाट, ये दो गो चीज़ हमें पूछ रहा है निकालने के लिए प्रश्न में। तो साइन ए दिया गया है, ठीक है, तो अब यहाँ पर प्रश्न में ये दिया गया है, क्योंकि लिखेंगे यहाँ पर साइन ए बराबर 3/4, साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटे एच होता है, इसीलिए हमारे पास पी का वैल्यू 3 हो गया, एच का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया, इसीलिए बी बराबर क्या हो जाता है, बी बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी एच का मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, समझिएगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 में से 9 घटेगा तो 7 हो जाएगा ना, इसीलिए अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कॉस ए और टेन ए का वैल्यू, तो हम कॉस ए ज्ञात करेंगे, तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है बी बाई एच, और बी का वैल्यू देखिए कितना दिया गया है, बी का वैल्यू यहाँ पर निकाले हैं तो रूट 7, और एच का वैल्यू कितना है 4, ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या निकालना था, एक टेन ए का वैल्यू निकालना था, तो यहाँ पर लिख देंगे टेन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है पी बाई बी, तो देखिएगा पी का वैल्यू यहाँ पर लिखे हैं ना, पी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, और बी का वैल्यू कितना निकाले हैं रूट 7, तो देख सकते हैं इस प्रकार। बात कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है
15 कॉट ए बराबर 8, तो साइन ए और कॉस ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा 15 कॉट ए बराबर 8 दिया है, इसीलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा 8/15। आइए फार्मूला क्या होता है कॉट ए का, कॉट ए का फार्मूला होता है बी बाई पी, इसीलिए बी का मान हो गया 8 और पी का मान हो गया 15, इसीलिए एच बराबर क्या हो जाता है रूट अंडर, फार्मूला होता है बी स्क्वायर जोर पी स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे बी का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, यहाँ पर पी का मतलब 15 का स्क्वायर, तो 8 के स्क्वायर 64 और 15 के स्क्वायर 225, इन दोनों को अगर जोड़ लेंगे तो 5 4 9 और 6 2 8 और यहाँ पर 289, 289 कितना का स्क्वायर होता है तो ये 17 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिख लेना है। अब देख सकते हैं पी बी एच तीनों का वैल्यू निकल चुका है, पूरे प्रश्न में आपको यही ध्यान रखना है मतलब पी बी चाहे एच में से तीन को वैल्यू है ना, तीन को में से दो को वैल्यू दिया रहेगा, आपको तीसरा का वैल्यू ज्ञात करना है पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हुए। तो आप देख सकते हैं काफ़ी आसानी से एच का वैल्यू यहाँ निकल चुका है, अब हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में, वो आसानी से निकल जाएगा। हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि साइन ए का वैल्यू कितना होगा, इसीलिए लिख देंगे, अब यहाँ पर साइन ए का वैल्यू पूछ रहा है ना, इसीलिए लिख देंगे साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, तब पी का मान कितना हो जाएगा, पी का मान देखिए कितना हो गया 15, आ एच का मान तो आया है 17 निकाले हैं। फिर उसके बाद और क्या पूछ रहा है, सेक ए का मान, ठीक है, तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा एच बाई बी हो जाएगा, आ एच का मान कितना आया है देख सकते हैं यहाँ पर 17 आया है, अब बी का मान कितना है 8 है। तो देख सकते हैं काफ़ी आसानी से क्वेश्चन नंबर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में जैसे कि आप अपने किताब में देख रहे हैं कि दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है कि सेक थीटा बराबर 13/12, और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, थीटा के स्थान पर कुछ भी आ सकता है, एक्स आ सकता है, वाई आ सकता है, जेड आ सकता है, कुछ भी आ सकता है थीटा के स्थान पर, तो सेक थीटा बराबर दिया गया है 13/12। आइए सेक और थीटा दोनों का गुणनफल नहीं होता, ये भी ध्यान रखिएगा, तो सेक थीटा बराबर 13/12, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। आपको हम पहले से ही बताए हैं कि त्रिकोणमिति में टोटल 6 निष्पत्तियाँ होती हैं, वो कौन कौन सी निष्पत्तियाँ होती हैं अभी लिखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। देखिए सेक थीटा बराबर यहाँ पर हो जाएगा कितना, एच बटे बी हो जाएगा, तो आपको अब क्या करना है, एच बटे बी हो गया तो इसीलिए लिख देना है एच बराबर कितना 13, बी बराबर कितना हो जाएगा 12, इसीलिए हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें पी बराबर ज्ञात करना है, पी बराबर व्हाट, तो पाइथागोरस थ्योरम से इसीलिए लिखेंगे सूत्र से पी बराबर क्या हो जाता है, पी बराबर हो जाता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो समझिएगा ध्यान से एच का मान कितना है यहाँ पर, एच का मान यहाँ पर है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169, 12 के स्क्वायर 144, ठीक है, तो घटा देंगे 169 में से 144 तो आ जाएगा कितना, ये 25 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5 का स्क्वायर होता है ना, तो पी का मान देख सकते हैं निकल गया है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा है, तो देखिएगा ध्यान से अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा है, तो देखिएगा ध्यान से, तो साइन थीटा बराबर हम लिख देंगे कितना, अगर हमें साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाता है पी बाई एच, तो देखिएगा समझिएगा ध्यान से साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, पी का मान कितना हो जाएगा, देखिएगा पी का मान आया है 5 और एच का वैल्यू कितना आया है 13, तो 13 लिख देंगे। उसी प्रकार अब यहाँ पर साइन के बाद अगर हमें कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करना है तो कॉसेक थीटा बराबर एच बटे पी होता है ना, तो उलट देना है, देखिए 5/13 यहाँ पर वैल्यू लिखा है ना पी बाई एच, तो एच बाई पी यानी कितना हो जाएगा 13/5 हो जाएगा। उसी प्रकार आप यहाँ पर कॉस थीटा का वैल्यू लिख देंगे, कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाता है बी बाई एच हो जाता है, तो बी का मान कितना है यहाँ पर 12 और एच का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और सेक थीटा का वैल्यू नहीं निकालेंगे क्योंकि ये तो प्रश्न में दिया हुआ है 13/12। ठीक है, अब टैन थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो टैन थीटा बराबर हो जाता है पी बाई बी, तो देखिएगा टैन थीटा बराबर पी बाई बी, तो पी का मान यहाँ पर कितना आया हुआ है 5 और बी का मान कितना है 12। ठीक है, और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाता है, कितना हो जाएगा बी बाई पी,
बी बाई पी लिख देंगे यहाँ पर बी बाई पी। तो बी बाई पी जब लिख देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू को क्या करेंगे, उलट देंगे तो नहीं हो जाएगा, बारह बटे कितना हो जाएगा, पाँच हो जाएगा। तो देख सकते हैं काफ़ी आसानी से भी प्रश्न सॉल्व हो चुका है, क्योंकि इस प्रश्न में पूछा गया था कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए, तो सभी मान निकल चुका है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। कहीं आपको दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर छः में दिया है कोण ए और बी, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाना है हमें कि कोण ए बराबर कोण बी, यानी कोण ए और बी न्यून, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है और कॉस ए कॉस बी के बराबर है, तो हमें साबित करना है कोण ए कोण बी के बराबर है। यहाँ पर देखेंगे छः नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, लिख देंगे दिया गया है कोण ए और बी, कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब जो कोण 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से अधिक हो, न्यून कोण है, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया गया है, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया गया है, तो सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कोण ए बराबर कोण बी, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमें एक फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक फिगर हम यहाँ बना लेते हैं, जैसे समझिएगा ध्यान से, इस एक समकोण त्रिभुज हम यहाँ बनाते हैं, कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। हमें दो फिगर बनाना पड़ेगा, जैसे हम यहाँ पर इसको मान लेते हैं पी, इसको मान लेते हैं क्यू और इसको मान लेते हैं ए, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है, एक और फिगर हम बना लेते हैं, इसको मान लेते हैं आर और इसको मान लेते हैं एस और इसको मान लेते हैं बी, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कॉस ए बराबर कॉस बी, तो हम लिखेंगे यहाँ पर इसको सबसे पहले इस त्रिभुज में, ठीक है ना, इस त्रिभुज को हम सॉल्व करते हैं, लिखेंगे हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, पी क्यू ए होगा, पी क्यू एम ए, ठीक है, पी क्यू एम ए। अगर हम कॉस ए लेंगे तो कॉस ए लेंगे तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा एच होता है ना, कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, यानी आधार बटा कर्ण। तो ये तो भुजा तो पी हो गया ना, ये पी हो गया, तो ये होगा बी, यानी कितना हो जाएगा, क्यू ए बाई कितना हो जाएगा, पी ए कहिए चाहे ए पी कहिए, पी ए हो जाएगा, ठीक है ना। कॉस ए निकाल लेंगे और फिर इस ट्रिंगल में, और फिर इस ट्रिंगल में लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज आर एस बी में, इसमें अगर कॉस बी ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस बी कितना हो जाएगा, ये वाला भुजा जो होगा क्या होगा, पी होगा, तो नीचे वाला बी होगा ना, क्योंकि कॉस थीटा बराबर बी बटा एच होता है, यानी हो जाएगा कितना, बी एस बाई आर बी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से क्या दिया गया है, प्रश्न से दिया गया है कॉस ए बराबर कॉस बी, तो हम लोग क्या, कॉस ए का मान कितना आया है, क्यू ए बाई पी ए बराबर, और कॉस बी का मान कितना आया है, बी एस बाई आर बी, ठीक है। देख सकते हैं ये वैल्यू हमारे पास इतना आया हुआ है, निकाले हैं। तो अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, त्रिभुज की जो सर्वांगसंगता का जो नियम होता है उसको लेकर हम लोग प्रूव करेंगे। तो क्यू ए बाई पी ए यहाँ पर बी एस बाई आर बी दिया है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्यू ए को ऐसे लिख सकते हैं, क्यू ए बाई, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू ए हाई बी एस को नीचे ला सकते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं क्यू ए बाई बी एस, ठीक है ना, और इस पी ए को ऊपर लेकर चले जाएंगे, यहाँ पर पी एस पी ए ऊपर आ जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, आर बी, ठीक है ना, पी ए ऊपर चला जाएगा और आर बी तो है ही है ना, यहाँ पर इसको ऐसे चेंज कर ले। ऐसे एक्सचेंज करने से फ़ायदा ये होगा कि त्रिभुजों की सर्वांगसमता का जो नियम होता है भुजा भुजा का, वैसे उस त्रिभुज में आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर
क्यू ए बाटा बी एस। अब देखिए इसमें त्रिभुज में देखिए क्यू इस त्रिभुज का क्यू ए और इस त्रिभुज का बी एस एक रिलेशन बन रहा है। फिर यहाँ पर पी ए बाटा आर बी, तो इस त्रिभुज का कितना पी ए यानी कर्ण और इस त्रिभुज का आर बी, मतलब इधर का मतलब नीचे वाला पार्ट आधार का और कर्ण का क्या बन गया, एक रिलेशन बन गया, ठीक है ना। अगर हम इसको के मान लेते हैं, ठीक है ना, बराबर लिख देते हैं बराबर के मान लिया, ठीक है ना। और इसको हम समीकरण एक भी मान लेंगे, इसको समीकरण एक भी मान लेंगे। तो यहाँ से देखिएगा अब क्यू ए बाई बी एस बराबर के माने हैं तो क्यू ए का मान कितना हो जाएगा, क्यू ए बराबर हो जाएगा कितना के इंटू बी एस, ठीक है। फिर लिख लेंगे पुनः पी ए बाई आर बी बराबर के, इसलिए पी ए बराबर कितना हो जाएगा के इंटू आर बी, ठीक है ना। क्यू ए और पी ए का मान निकल चुका है, क्यू ए और पी ए का मान निकल गया है ना। तो अब हम लोग देखेंगे ध्यान से, समझिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें। हम क्या लिखेंगे, जैसे कि क्यू ए बाई बी एस और पी ए बाई आर बी निकल चुका है, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर कितना, जैसे कि आपको पहले ही बताए हैं कि कर्ण कर्ण और आधार आधार का एक संबंध है, तो हम अब ज्ञात करेंगे क्या चीज़, लंब वाला पार्ट निकालेंगे। अगर हम इस त्रिभुज में हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, पी क्यू ए में, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज देखिएगा पी क्यू ए में, पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके पी क्यू का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, पी क्यू बराबर देखिएगा ये अगर आधार है तो आधार का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रूट अंडर कर्ण में से लेकर घटाते हैं ना, यानी कितना आ जाएगा पी पी ए का स्क्वायर माइनस क्यू ए का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेंगे, अब ये त्रिभुज ले लेंगे आर एस बी, पुनः समकोण त्रिभुज आर एस बी में, आर एस बी में हमें आर एस का मान ज्ञात करना है, तो आर एस बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर आर बी, रूट अंडर कितना हो जाएगा आर बी कहिए चाहे बी आर कहिए, आर बी का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बी एस का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, देखिए दो भुजाओं का रिलेशन आ चुका है, अब हम इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पर, इसीलिए क्या ज्ञात करेंगे, हम क्या ज्ञात करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर लिख देंगे कितना पी क्यू बाई आर एस, पी क्यू बाई आर एस का वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे निकालेंगे। देखिएगा पी क्यू का वैल्यू यहाँ पर देखिए निकला हुआ है, कितना आया हुआ है, तो पी ए का स्क्वायर माइनस क्यू ए का स्क्वायर, अब आई आर एस का वैल्यू कितना हुआ है, तो ये आया है आर बी का स्क्वायर माइनस बी एस का स्क्वायर, समझिएगा ध्यान से। अब पी ए का वैल्यू कहीं निकाले हैं, समझिएगा ध्यान से, देखिएगा पी ए का वैल्यू यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है, पी ए का वैल्यू यहाँ पर निकला हुआ है, तो आप लोग इस बात को समझिएगा ध्यान से, पी ए का वैल्यू निकला हुआ है ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर आर बी स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर आर बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्यू ए स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा कितना के स्क्वायर इंटू बी एस स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर पहले से कितना है, और पहले से तो रूट में देखिए रहे हैं कितना वैल्यू दिया गया, इसको पूरा को हम लोग रूट में लिख लेंगे, पूरा को रूट में लिख लेंगे तो आर बी स्क्वायर माइनस बी एस का स्क्वायर हो जाएगा। तो समझिएगा ध्यान से, दोनों में क्या है के स्क्वायर कॉमन हो गया, रूट में हम लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा बचेगा आर बी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा बी एस स्क्वायर, और नीचे पहले से कितना है आर बी स्क्वायर माइनस बी एस स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू क्या होगा, कट जाएगा यहाँ से, तो ये दोनों वैल्यू कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ रूट अंडर के स्क्वायर बचेगा ना, के स्क्वायर बच रहा है तो ये बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि देख सकते हैं पी क्यू बाई आर एस का वैल्यू भी कितना हो गया, के हो गया। इसको हम चाहें तो समीकरण तीन मान दो मान सकते हैं। अब हम लिखेंगे कि क्या समीकरण एक तथा दो से, समीकरण एक कितना है, समीकरण एक देखिए, समीकरण इसको एक माने है ना, लिख देंगे कितना क्यू ए बाई लिख देंगे बी एस बराबर कितना आया हुआ है पी ए बाई
आर बी कितना के बराबर माने थे, के बराबर माने थे ना, उसी प्रकार दो का भी वैल्यू कितना आया हुआ है, पी क्यू बाई आर एस आया हुआ है, इसका भी वैल्यू के बराबर आया कि नहीं। यानी तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं के क्या है, अनुपाती हैं, यानी बराबर हैं, ठीक है ना, दोनों समान अनुपात में हैं। यानी दोनों त्रिभुज क्या हैं, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हैं। तो जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मैं चाहता हूँ कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। तो यह दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए, इसलिए हम लिख सकते हैं ना कोण ए बराबर कोण बी। क्यों, यहाँ पर हम सीपीसीटी लिख सकते हैं, सीपीसीटी का फुल फॉर्म होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रिंगल। नाइन्थ क्लास में जब हम लोग प्रूफ कर रहे थे ट्रिंगल को कॉन्ग्रुएंसी में, तो ऐसे रूल लिखते हैं। कभी भी ध्यान रखिएगा कि दो त्रिभुज जब एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे तो आपको यही यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिख देना है। ये जो छोटा सा मतलब वर्ड है इसको लिख देना है, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रिंगल। तो ये साबित हो गया। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8, तो बाकी जो वैल्यू है निकालना है हमें। देखिएगा ध्यान समझिएगा ध्यान से, कॉट थीटा बराबर दिया गया है कितना, 7/8। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 1 + sin θ, ये वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए कॉट थीटा बराबर दिया गया था, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर होता है बी बाई पी, इसीलिए बी बराबर कितना हो गया 7 और पी बराबर कितना हो गया 8। तो हमें ये इस तो एच बराबर क्या होगा, हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो सूत्र से लिखिएगा, एच बराबर क्या हो जाता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर, बी का वैल्यू 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, रूट अंडर 113। देख सकते हैं एच का भी वैल्यू निकल गया। अब इसीलिए एक नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, उस क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग, क्या दिया गया है, 1 + sin θ × 1 - sin θ, फिर बटे में दिया गया है कितना, 1 + cos θ × 1 - cos θ। अब सारा का वैल्यू यहाँ पर रखिएगा, पुट कीजिएगा कितना रहा है, देखिएगा 1 + sin θ, तो 1 + sin θ का वैल्यू निकालिएगा, sin θ बराबर क्या होता है, P/h। तो पी बाई एच का डायरेक्ट वैल्यू अगर हम यहाँ से उठा कर लिख दें तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, पी बाई एच चाहे लिख दीजिएगा यहाँ पर, 1 P/h हो जाएगा, फिर 1 - यहाँ पर P/h हो जाएगा, फिर नीचे लिख देंगे 1 + cos θ का फॉर्मूला होता है B/h, ठीक है, फिर यहाँ पर 1 - cos θ का फॉर्मूला होता है B/h, ये लिख देंगे 1 + P/h। तो देखिएगा ध्यान से, 1 + P का वैल्यू के यहाँ पर कितना आया हुआ है, 8, एच का वैल्यू रूट अंडर 113 है, ठीक है, यहाँ पर भी हो जाएगा 1 - 8/√113, क्योंकि वैल्यू सेम है, खाली प्लस माइनस का अंतर है। यहाँ पर भी 1 + B/h, तो B का वैल्यू कितना है, 7, H का वैल्यू तो 113 है, और फिर नीचे भी हो जाएगा यहाँ पर 1 + 7/√113 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा यहाँ माइनस है। तो अब फार्मूला आपको यूज करना है, यहाँ पर a + b × a - b, फार्मूला हो जाता है a² - b², तो 8/113 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1² - 7/√113 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 के स्क्वायर 1, 8 के स्क्वायर कितना, 64, यहाँ पर 113 हो जाएगा बटे 1, यहाँ पर 1 = 7 के स्क्वायर 49, यहाँ पर 113 हो जाएगा बटे 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हमें हल करना है, तो इसको हल करेंगे तो 113 हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 113 माइनस ऊपर कितना हो जाएगा, 64, अब बटे में देखिएगा ध्यान से, नीचे भी हो जाएगा 113 - 49/113, तो एलसीएम है, तो 113 में से 64 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो 13 में से 4 घटेगा तो 9, और फिर यहाँ पर 10 में से 6 घटेगा तो 4, यानी 49 बटे कितना हो जाएगा, 113, 13 में से 9 घटेगा 4, 10 में 4 64/113, तो कितना हो जाएगा, 49/113 गुना यहाँ पर हो जाएगा कितना, 113/64, तो कटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 49/64 हमारा राइट आंसर, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि इतनी आसानी से भी क्वेश्चन बन चुका है,
आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर कहीं दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ इसी क्वेश्चन का, दो नंबर के क्वेश्चन में। जैसे दो नंबर क्वेश्चन में दिया कि पूछा जा रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी हो, बी बाई पी हो जाता है ना, बी बाई पी का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। और बी का वैल्यू यहाँ पर उठा कर रख देंगे, बी का वैल्यू कितना है 7 और पी का वैल्यू कितना है 8। हालांकि क्वेश्चन में तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 के स्क्वायर 49 बटे कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा राइट आंसर आ चुका है। अब मैं बात कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिएगा आप लोग, अब क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा दिया गया है, कितना दिया गया है, 3 cot A बराबर 4 दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सीधा कर लीजिए, उल्टा दिया है भरवाने के लिए, 3 cot A = 4। तो cot A बराबर कितना हो जाएगा 4/3, और ये फार्मूला कितना हो जाता है, बी बाई पी हो जाता है, क्योंकि ये cot थीटा का फार्मूला होता है ना, बी बाई पी। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, बी का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और पी का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो h ज्ञात करना है, तो h बराबर क्या होगा, क्योंकि p भी दिया है तो h तो जरूर निकालना पड़ेगा आगे का प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि आगे हमें कॉस में और साइन में ज़रूरत पड़ेगा। तो h हमें निकालने के लिए लिखेंगे सूत्र से, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे यहाँ पर, h बराबर पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके ये फार्मूला बना है, कितना बना है, तो पी स्क्वायर जोर बी स्क्वायर हो जाता है ये फार्मूला। तो पी का मान देख सकते हैं 3 का स्क्वायर और बी का मान 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो 16 9 25, और 25 कितना का स्क्वायर होता है 5 का, तो 5 लिख देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है, ठीक है, प्रूफ करना है, दे रहा है क्वेश्चन में क्या, 1 - tan² a / 1 + tan² RHS में जो वैल्यू दिया है उतना के बराबर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम LHS ले लेंगे, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में हम लोग LHS को ले लेना है। 1 माइनस ले लेंगे कितना, 10² a, अब आई नीचे कितना हो जाएगा, 1 + tan² a, ठीक है ना, किताब में भी आप लोग क्वेश्चन मिला लेंगे। तो 1 - tan² a, तो tan a बराबर क्या होता है, p/b। अब यहाँ पर त्रिभुज तो बना नहीं है कि सामने देखना है भुजा को, p और b देखना है, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे p/b² नीचे भी लिख देंगे 1 + p/b². तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, 1 माइनस p का मान देखिएगा ध्यान से 3, और b का मान कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, नीचे कितना हो जाएगा 1 + 3/4 का स्क्वायर। तो 1 - 3 का स्क्वायर 9/16, 1 + 9/16, ठीक है। तो 16 - 9/16 और 16 + 9/16, ठीक है। तो अब हमारे पास अगला स्टेप में क्या हो जाएगा वैल्यू, तो हमारे पास अगला स्टेप में वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए 16 में से 9 घटा दीजिएगा तो 7/16 आ जाएगा, और 16 या 9 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 25/16 हो जाएगा। उलट दीजिएगा 60/16, यहाँ पर 16/25 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, हमारा LHS का वैल्यू आप देख सकते हैं 7/25 आया है। अब हमें RHS को सॉल्व करना है, तो समझिएगा ध्यान से, RHS को हमें सॉल्व करना है। तो RHS में हमारा वैल्यू कितना दिया गया है, RHS में हमारा वैल्यू दिया गया है, आप देख सकते हैं cos² a - sin² a, तो लिख दीजिएगा यहाँ पर cos² a - sin² a। तो cos a दिया है, cos थीटा बराबर जानते ही हैं b/h होता है, यहाँ पर लिखेंगे b/h का कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, sin थीटा बराबर कितना होता है p/h का स्क्वायर हो जाता है। तो b/h का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, समझिएगा ध्यान से, b का मान यहाँ से कितना निकल के आ रहा है, b का मान निकल के आ रहा है 4, h का मान कितना आ रहा है 5, तो 4/5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। साइन ए का मान होता है p/h, तो p का मान यहाँ पर देखिए कितना है 3, और h का मान आया है 5, तो ये दोनों का स्क्वायर कर देंगे ना, तो 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, 3 के स्क्वायर 9, आइए 25। तो ऐसे ही दिखाई दे, जब हर बराबर रहता है तो ऊपर लोग घटा देते हैं, तो 16 में से 9 घटेगा तो 7, और नीचे आला 25 लिख देंगे। तो देख सकते हैं LHS का जितना मान आया था उतना ही RHS का मान आ गया ना, इसीलिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है या नहीं, इसीलिए यहाँ पर लिख देंगे क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है,
वन माइनस टेन स्क्वायर बाई वन प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना के बराबर है, तो ये बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है। ठीक है ना, ये प्रूव्ड हमें करना था, ये प्रूव हो चुका है। दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ अब क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि टेन ए बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया गया है उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक फिगर बनाना होगा, क्योंकि बिना फिगर बनाए क्वेश्चन अगर बनाया जाएगा तो जोखिम होगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक फिगर हम लोग बना लेंगे, उस समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति में कभी भी वैल्यू मतलब कोई भी निकालना होगा, चाहे कोई भी वैल्यू निकालिए तो हमेशा समकोण त्रिभुज बनाया जाता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज के बेस पर त्रिकोणमिति टिका हुआ है। तो सबसे पहले एक हम समकोण त्रिभुज यहाँ बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोण बी क्या है इसका, कोण बी जो है इस त्रिभुज का बी क्या है, समकोण है ये, इसको मान लेते हैं बी, ये क्या है समकोण है, ये मान लेते हैं ए बी और ये है सी, बी क्या है समकोण है। और टेन ए बराबर दिया गया है कितना, 1/√3, तो निम्नलिखित के मान हमें ज्ञात करना है। टेन ए बराबर दिया गया है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है। टेन थीटा बराबर यहाँ पर दिया गया है, टेन ए बराबर समझिएगा ध्यान से, टेन ए बराबर कितना होता है पी बाई बी यानी 1/√3। तो टेन कोण के सामने को क्या कहते हैं पी, ये है 1 और ये है √3। ठीक है, तो कोण के सामने टेन ए दिया है तो कोण के सामने की जगह पी बोलते हैं ना, तो ये पी हो गया है, √3 हो गया, हमें ये ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। तो टेन ए बराबर दिया गया है 1/√3 और ये वैल्यू हो जाता है पी बाई बी के बराबर। ठीक है, तो हमें इसीलिए लिख देंगे पी बराबर 1, बी बराबर √3 लिख देंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम लिखेंगे h, h बराबर क्या होगा, पाइथागोरस का प्रमेय करेंगे तो हो जाएगा p के स्क्वायर जोर b के स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 √3, 3 4 बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, tan a बराबर tan का थीटा का जो वैल्यू है, मतलब ये देखिएगा ध्यान से, h का वैल्यू निकल चुका है। अब इस क्वेश्चन में एक नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग किताब में से मिलाइएगा, एक नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अब देखिएगा ध्यान से, अब इसमें जब त्रिभुज बना हुआ है तो त्रिभुज को देख देख कर वैल्यू रखना है, पुट करना है। साइन ए दे रहा है तो साइन ए लेंगे तो कोण के सामने को हो जाएगा क्या बोलते हैं पी, तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा पी बाई एच और कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बराबर क्या, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बाई एच और साइन सी का फॉर्मूला होता है पी बाई एच। यहाँ पर इंटू लगा दीजिए चाहे गुना का चिन्ह दे दीजिए, बात एक ही है। अब साइन ए एंगल के सामने के भुजा को क्या कहते हैं पी, यानी पी का वैल्यू कितना हो जाएगा डायरेक्ट 1 और एच का वैल्यू जो निकाला गया है ये 2 है। ठीक है ना, तो P और H का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। अब फिर cos C दे रहा है, cos C के हिसाब से चला जाएगा तो ये जो भुजा हो जाएगा P हो जाएगा और B नीचे वाला हो जाएगा यानी B बाई एच, एच का वैल्यू कितना है 2 और प्लस cos A दे रहा है तो cos A सामने के भुजा क्या बोलते हैं, सामने के भुजा का P बोलते हैं तो ये B हो जाएगा ना, यानी कितना हो जाएगा √3 और एच का मान तो 2 रहेगा। अगुना साइन सी लेंगे तो ये हो जाए हमारा सामने की भुजा क्या हो जाएगा पी, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा √3 और एच का मान तो 2 है। अब इसी को हल कर दीजिए, 1/2 × 4 √3 में गुना किया जाएगा तो 3 आ जाएगा, नीचे हो जाएगा 4। तो हर जब बराबर है तो ऊपर को जोड़ देते हैं ना, 1+3/4 तो 4/4 कट जाएगा तो कितना आ गया 1 आ गया। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का एक नंबर का आंसर आ चुका है, 1 होगा। ठीक है, समझ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कितना दिया गया है ये देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है cos A × cos C − sin A × sin C दिया गया है। तो इसी त्रिभुज में देखिए cos A का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों में b बाई एच होगा, b बाई एच, यहाँ पर p बाई एच
यहाँ पर पी बाई एच। अब कोई, अब कितना लोग आप लोगों में से सोच सकते हैं कि क्या सर यहाँ पर बी बी में गुना करेंगे तो बी स्क्वायर करके डायरेक्ट मान नहीं लिख सकते हैं? जी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो वैल्यू लिखना है इस ट्रिंगल से मिलाकर, कोण के सामने के भुजा को पी बोलते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर ए सी बी बदलता है वैसे वैसे एंगल का भी मान बदलता है। देखिएगा कॉस सी लेना है तो कोण के सामने के भुजा को, ये तो हमारा पी हो गया तो नीचे वाला बचेगा तो कितना हो जाएगा हमारा बी कौन हो जाएगा वन बाई टू हो जाएगा। फिर कॉस सी लेना है तो कॉस सी लेंगे तो कॉस, देख गलती हो गया यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। कॉस ए जब लेंगे तो कोण के सामने को भुजा क्या कहते हैं, ये पी बोलते हैं, तो बी हमारा कितना हो जाएगा रूट तीन हो जाएगा यहाँ पर, रूट तीन बटे दो, ठीक है। और कॉस सी जब लेंगे तो ये हमारा पी हो जाएगा तो बी कितना हो जाएगा वन, यानी वन बाई टू माइनस। अब साइन ए लेंगे, इधर से साइन ए लेंगे तो ये हो जाएगा पी, यानी वन हो जाएगा, एच तो हमारा दो है। और फिर जब यहाँ पर दिया गया है साइन सी, तो साइन सी जब लेंगे यहाँ पर साइन सी तो ये भुजा हमारा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, यानी रूट तीन बटे दो। एच का मान तो फिक्स है ना, साइन सी लेंगे तो देखिएगा ध्यान से, ऊपर हो जाएगा रूट तीन, नीचेवा हो जाएगा चार, ऊपर हो जाएगा रूट तीन, नीचे हो जाएगा कितना चार। तो देखिए दोनों तो बराबर है तो ये हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा, जीरो हो जाएगा घट के। दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 की, जैसे कि आप अपने किताब में निकाल कर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्या है, क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 सेंटीमीटर दिया है और पी क्यू 5 सेंटीमीटर दिया है, साइन पी कॉस पी और टेन पी हमें ज्ञात करना है। त्रिभुज पी क्यू आर पहले हमें बना लेना है। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, हम क्या करते हैं त्रिभुज पी क्यू आर बना लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, पी ये क्यू और ये आर हो गया। इस त्रिभुज में क्यू जो है क्या है, समकोण है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और दिया गया है पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। पी क्यू ये हमारा कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर दिया गया है। और यहाँ पर दिया गया है और क्या चीज़ दिया गया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया गया है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो और बाकी जो वैल्यू है हमें ज्ञात करना है, ठीक है, इतना दिया गया है। तो देखिएगा ध्यान से, अगर हम क्यू आर का मान ज्ञात करना चाहें या क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 माइनस पी आर हो जाएगा कि नहीं, अब हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, यहाँ पर क्या लगाएंगे, पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस का प्रमेय आपको याद होगा क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है। यानी कर्ण का मतलब कितना हो गया, कितना का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर, लंब कितना हो जाएगा यहाँ पर, पी क्यू का स्क्वायर, आधार कितना हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर। हमें क्या ज्ञात करना है, क्यू आर और पी आर ज्ञात करना है। तो देखिएगा ध्यान से, पी आर का स्क्वायर हम लिखे हैं, पी आर का स्क्वायर लिखे हैं तो यहाँ पर पी आर का स्क्वायर हो जाएगा। पी क्यू का वैल्यू देखिएगा ध्यान से, पी क्यू का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यू आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, इसको चाहे तो हम लोग समीकरण एक मान सकते हैं। क्यू आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 25 माइनस पी आर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा ना, या पी आर स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर 25, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2ab करेंगे तो 50 पी आर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है, यानी पी आर का स्क्वायर हो जाता है, पी आर स्क्वायर बराबर 25, 25 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 625 माइनस 50 पी आर, यहाँ पर कितना हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर। या देखिएगा ध्यान से, हम क्या करेंगे कि इस पी आर स्क्वायर को इधर ला देंगे, पी आर स्क्वायर को हम इधर ला देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस पी आर स्क्वायर बराबर है, देखिएगा ध्यान से, 625, 625 कितना हो जाएगा, 650 माइनस 50 पी आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो वैल्यू हमारा कट के जीरो हो जाएगा। अब जो वैल्यू आएगा यहाँ पर हम लिखेंगे, या समझिएगा ध्यान से, पी आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, उलट कर
650 को इधर, इसको इधर भेज देंगे। 650 माइनस 50 पी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, या माइनस 50 पी आर इक्वल टू माइनस 650, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये घट जाएगा, ठीक है, जीरो से जीरो कट गया। तो पी आर इक्वल टू 65 बटे कितना हो जाएगा 5, तो 13 पचे 65, इसलिए पी आर इक्वल टू 13। पी आर का वैल्यू कितना आ गया, पी आर का वैल्यू हमारा 13 आ चुका है, ठीक है। अब हम जो भी वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा पी आर का वैल्यू अब यहाँ हम कितना लिख देंगे, 13 लिख देंगे, ठीक है। अब हमें क्यू आर का वैल्यू अगर ज्ञात करना है तो आसानी से ज्ञात हो सकता है, अब हम लिखेंगे समीकरण एक से क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस पी आर, तो 25 माइनस 13 घटा देने पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा, तो 12 लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बाकी जो वैल्यू है आसानी से अब ज्ञात करेंगे। देखिएगा ध्यान से, अब हमसे पूछा जा रहा है प्रश्न में कि साइन पी कितना होगा, तो साइन पी लेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच, तो कोण के सामने के भुजा क्या बोलते हैं, पी कहते हैं ना, यानी पी का मान कितना हो जाएगा 12, एच का मान कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अब क्वेश्चन अगला प्रश्न इसी में है, कॉस पी का मान पूछ रहा है, तो कॉस पी बराबर कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच होता है, तो कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से लेंगे तो कॉस के सामने के भुजा क्या बोलते हैं, ये पी हो गया, ये तो पी हो गया, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर, बी बाई एच होता है फॉर्मूला, तो ये तो पी के सामने वाले भुजा को ये पी हो गया, तो बी हमारा कितना होगा 5/13। उसी प्रकार अब इसी प्रश्न में एक और क्वेश्चन पूछ रहा है टैन पी ज्ञात करने के लिए, तो टैन पी कितना हो जाएगा, टैन पी हो जाएगा हमारा टैन पी, टैन थीटा बराबर होता है पी बाई बी, टैन थीटा बराबर हो जाता है पी बाई बी, तो पी के सामने भुजा क्या कहते हैं 12, यहाँ पर हो जाएगा 12, बी का मान कितना हो जाएगा 5, तो देख सकते हैं, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से क्वेश्चन नंबर 10 को भी हमने सॉल्व किया है। अगर आपको कहीं दिक्कत लग रहा है समझने में, कहीं कठिनाई हो रही है, तो आप हमें बेहिचक कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। कहता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 के एक नंबर के, जैसे कि आप लोग किताब में सामने रख कर देखिएगा, किताब सामने रख कर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर एक में दिया गया है, 11 का एक नंबर क्वेश्चन है कि टेन ए का मान सदैव एक से कम होता है, तो टेन ए का जो मान होता है हमेशा एक से कम होता है, तो ये कथन बिल्कुल गलत है। जैसे कि आप पढ़े होंगे त्रिकोणमिति का मान, तो टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है और टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, देखते हैं, टेन 60 डिग्री का जो मान होता है एक से अधिक हो जाता है ना, तो इसका जो कथन है टेन ए का मान सदैव एक से कम है, तो लिख देंगे नहीं, ये गलत है, ठीक है ना, ये सत्य असत्य बताना है, ये लिख देंगे असत्य। असत्य होने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि आप लिख दीजिए कॉपी में कि टेन ए का जो मान होता है हमेशा एक से कम नहीं होता है, कभी कभी होता है, ठीक है, ये असत्य होता है। चलिए दो नंबर की बात कर लेते हैं, आप लोग कॉपी में नोट करते चलिएगा क्यों हो रहा है। अब दो नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होगा, तो सेक का कोई भी वैल्यू निकालिएगा, जैसे 5 से 12 में भाग दीजिएगा तो ये क्या होगा एक से अधिक होगा, तो सिक का कोई भी वैल्यू होता है ना एक से अधिक होगा, ठीक है ना, इसीलिए ये वैल्यू क्या है सही है यानी सत्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा ध्यान से, सही चाहे सत्य लिख दीजिएगा, ये सत्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि कॉस ए कोण ए के कोसेकेंड के लिए एक प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कॉस ए का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या हो जाता है कोसाइन होता है, लेकिन यहाँ पर तो कोसंकेंट दिया है, ठीक है ना, तो इसीलिए क्या है ये असत्य है, ठीक है। 3 नंबर क्या हो जाएगा असत्य है, क्योंकि कोसेकेंट कोसेक का होता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल है, कुछ देर पहले ही आपको हम चर्चा किए थे बताए थे, अब कह रहा है कि कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल है, मतलब कॉट और ए में गुना करके आया है, तो ये बिल्कुल गलत है, ये भी क्या है असत्य है। कभी भी ध्यान रखिएगा यहाँ ये जो वैल्यू होता है कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पर एंगल के रूप में प्रयुक्त होता है, आप इसको गुणनफल नहीं कह सकते, ठीक है, दोनों गुना के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। और क्वेश्चन नंबर 5 की अब बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है थीटा किसी मान के लिए
साइन थीटा बराबर कितना, 4/3 हो जाएगा। थीटा किसी मान के लिए 4/3 हो सकता है? नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि साइन थीटा का मान आपको याद होगा, साइन थीटा का मान हमेशा क्या होता है, जीरो और जीरो से अधिक होता है और एक से कम और बराबर होता है, ठीक है ना। साइन थीटा का मान कभी भी एक से अधिक नहीं हो सकता है। आप मान सारणी पढ़ रहे ही होंगे तो साइन 0° का मान कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है, और अंत में जाके साइन 90° का मान कितना हो जाता है, एक हो जाता है। यानी साइन थीटा का मान क्या होता है, जीरो से एक की ओर बढ़ता है, लेकिन एक से कभी भी अधिक नहीं होता है, आपको दिमाग में नोट करके रखना है। और साइन थीटा का जो वैल्यू होता है जीरो से 90 की ओर जाता है, तो साइन थीटा का जो वैल्यू सबसे कम वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है, सबसे अधिक वैल्यू एक होता है। यहाँ पर तो 4/3 दे दिए, एक से अधिक हो गया, तो ये असत्य है। यहाँ पर लिख देंगे असत्य है। तो इस प्रकार देख सकते हैं प्रश्नावली 8.1 के सभी प्रश्नों को हमने स्टेप बाई स्टेप करके आपको अच्छे ढंग से समझा कर मैं बताया हूँ, पढ़ाया हूँ। और उम्मीद करता हूं कि जो भी जानकारी इस वीडियो में मैं दिया हूं, जो भी सलूशन मैं आपको दिया हूं, आपको पसंद आया होगा। अगर कहीं कमी रह गया हो या अगर कहीं आपको समझने में दिक्कत हो रहा हो तो आप हमें हमसे टेलीग्राम ग्रुप में टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़कर हमसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकते हैं।